कल फिर मिशन उत्तराखंड पर आएंगे पीएम मोदी। कुमाऊं एम्स का करेंगे शिलान्यास। 17,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का सौगात देंगे। हल्द्वानी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। गोरखपुर को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर बस में सफर किया। भ्रमलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे यूपी के नए मुख्य सचिव। मूल कैडर में वापसी का प्रस्ताव मंजूर। आर के तिवारी की जगह लेंगे दुर्गा शंकर मिश्रा। कानपुर के दंगा प्लान पर बीजेपी के रिएक्शन के बाद अखिलेश यादव ने लिया एक्शन। सचिन केसरवानी समेत 5 नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। नए साल पर किसानों को तोहफा देंगे पीएम मोदी। 1 जनवरी को 10वीं किस्त जारी करेंगे पीएम। 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पैसा आएगा। नए साल पर पुलिस कर्मियों को सीएम योगी का तोहफा। पौष्टिक आहार भत्ते में की 25% की वृद्धि। सिम भत्ते में भी बढ़ोतरी की। कासगंज में मुलायम यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने किया गंगा जल का छिड़काव। गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद छिड़का गंगा जल, वीडियो वायरल। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर करारा प्रहार। कहा पहले व्यापारी यूपी आने से डरता था, अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, होती है गन्ने की खेती। उत्तर प्रदेश में शीतलहर के चलते 15 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे 1 से 8 तक के स्कूल, राज्य सरकार का फैसला। योगी सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान में रचा नया इतिहास। अब तक 1,51,000 करोड़ का भुगतान किया। पिछली सरकारों में किए गए बकाये का भी किया गया भुगतान। सीएम योगी का बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े रसोइयों को नए साल पर तोहफा। रसोइयों का 1,500 रुपए किया मानदेय। 5 लाख के बीमा कवर की सुविधा का भी किया ऐलान। अनुदेशकों का भी मानदेय 2,000 रुपए किया। कानपुर में मयूर वनस्पति पर डीजीजीआई की छापेमारी। अधिकारियों ने पूछताछ की। स्टॉक के बारे में जुटाए दस्तावेज। टैक्स चोरी मामले में पहले भी हो चुकी है कार्रवाई। एटा के सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। एक की तलाश जारी। फरुखाबाद में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा मालेगांव ब्लास्ट मामले में माफी मांगे कांग्रेस। मालेगांव केस कांग्रेस की साजिश थी। सीएम योगी ने कहा विकास का पैसा दीवारों के पीछे से निकल रहा है। 4 दिन से दीवारों से लगातार निकल रहा पैसा। कोरोना के वक्त एसपी के नेता कहां थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा डबल इंजन की सरकार ने जो कहा वो किया। वादों के मुताबिक सरकार ने सारा काम किया। लगातार गरीबों को राशन की सुविधा दी जा रही है। बरेली में ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर हमला। कहा जहां चुनाव वहां हिंदू खतरे में क्यों आ जाता है। प्रियंका की लड़की हूं वाले बयान पर राजभर का तंज। कहा प्रियंका लड़की नहीं औरत है। शादी के बाद लड़की औरत बन जाती। माफिया अतीक अहमद पर कसा शिकंजा। अहमदाबाद जेल में ईडी ने पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज मुकदमे में आय के स्रोत के बारे में पूछताछ हुई। अतीक अहमद के गुर्गों की संपत्तियों के बारे में भी ईडी की टीम ने जानकारी ली। अतीक और उसके गुर्गों के नाम दर्ज कई प्रॉपर्टी के बारे में सवाल जवाब किए।